आज का जो सवाल है बहुत ही कॉमन है, आपके मन में भी आया होगा कि वास्तु या ज्योतिष या अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी किसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहता है। ये वीडियो का जो आप क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि किसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र एक विद्या है जिसने हमें ग्रहों की व्याख्या की। वास्तुशास्त्र एक अलग विद्या है जिसमें हमारे घर में जो ग्रहों के स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होती है, कौन सा जोन किस ग्रह से संबंधित है, कौन सी दिशा किस ग्रह से संबंधित है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये आपको समझना होगा। और दूसरी बात इसके साथ, जो अंक शास्त्र है, जब हम पैदा होते हैं हमसे अंक जुड़ जाते हैं, हमसे नंबर्स जुड़ जाते हैं। आप किसी स्पेसिफिक डेट को पैदा हुए, आपको जॉब जो मिली वो एक स्पेसिफिक डेट को मिली, आपकी जब शादी हुई तो एक डेट निश्चित की गई। हालांकि हिंदू मत में तिथियां मानते हैं कि मैं बात करूं चैत्र महीने की, मैं बात करूं माघ महीने की, तो ऐसे महीनों में तिथियां 14 तिथि 15 तिथियां भी मान के चलते हैं। परंतु आपको ये बात याद करनी होगी और समझनी होगी कि तीनों की अपनी अपनी विधि है। अगर हम सीरियल वाइज चलें तो सबसे पहले मैटर करती है आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी ज्योतिष, आपकी जन्म कुंडली। अगर जन्म कुंडली नहीं है तब ज्योतिष में ही आगे विधियां हैं प्रश्न कुंडली की, आगे विधियां हैं मूक प्रश्न की, रमलज की, आगे बहुत सारी विधियां हैं कि आपके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, आपका घर किस दिशा में है, आपके घर में कौन सा कमरा किस दिशा में है, ये बातें भी इम्पैक्ट करती हैं। थर्ड नंबर पे बात आती है न्यूमरोलॉजी की कि अंक शास्त्र कैसे जो है आप पे प्रभाव रखता है। ये तीनों श्रेणियां मैं ऐसे बांट सकता हूँ। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंक शास्त्र थर्ड नंबर पे आएगा या वास्तु सेकंड नंबर पे आएगी। बात है इम्पैक्ट की। जो मैंने अपने अनुभव में पाया कि सबसे पहले आपको ज्योतिष, अगर मैं वैदिक की बात करूँ, आप वैदिक को समझते हैं, आपको मालूम होगा कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, क्या क्या चीज़ें आपके जीवन पर भारी इम्पैक्ट रखती हैं, इम्पैक्ट छोड़ती हैं। उसके बाद बात आती है वास्तु की, आपके घर में जो है पूजा कहाँ, पूजा रूम कहाँ है, पूजा कहाँ होती है, वॉशरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो आपका घर है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और जो आप साथ में लाए हैं ग्रहों की माया वो भी सबकॉन्शियस पर ही निर्भर करती है। क्योंकि हम किसी के स्वभाव से अवगत होते हैं, किसी इंसान का स्वभाव वैसा होता क्यों है, कारण क्या है। एक बच्चा किसी बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होता है और एक बच्चा किसी गरीब के यहाँ, ठेले वाले के यहाँ पैदा होता है, उसकी रीज़न सबसे पहले ज्योतिष आपको इम्पैक्ट करता है, उसके बाद वास्तु, आपका घर कैसा है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा कोई क्षेत्र हो, बस मैटर ये करता है कि आप कैसे रहते हैं, आपके घर में सफाई कितनी है, कौन सी दिशा में क्या चीज़ रखी गई है। जैसे वास्तु के हिसाब से कुछ दिशाएं भारी होनी चाहिए, कुछ हल्की होनी चाहिए, नॉर्थ को हल्का रखते हैं, नॉर्थ से मनी आती है, उत्तर दिशा की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण को भारी रखना होता है, ईशान कोण में मंदिर होना बेटर होता है। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे काउंटिंग आती है नंबर्स की। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप बात कर रहे हैं ज्योतिष की, वास्तु की, अंक शास्त्र की, ऐसी 108 विद्याएं हैं जिनमें रेखी भी शामिल है, जिनमें फेंग शुई शामिल है, जिनमें पामिस्ट्री शामिल है, टैरो कार्ड शामिल है, एंजल कार्ड शामिल है, ऐसी 108 प्रकार की विद्याएं हैं अगर आप खोजने पे आएंगे, अगर आप ढूंढने पे आएंगे। अब 108 प्रकार की विद्याओं को हम नहीं जान सकते। आपको याद होगा सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं कुछ लोग, सिग्नेचर देख के, हैंडराइटिंग देख के बताते हैं कि आप कैसे हैं, कुछ लोग आपके कॉफ़ी मग को एनालाइज करते हैं, कुछ लोग बेडशीट को एनालाइज करते हैं, ये सारे आधुनिक रूप हैं आपको समझने के, आपके सबकॉन्शियस को समझने के। परंतु ज्योतिष धर्म से जुड़ा है, ज्योतिष अध्यात्म से जुड़ा है। जन्म कुंडली के लिए हम सिंपली ये कह सकते हैं, कि जन्म कुंडली आपकी एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है जिसको देख के डॉक्टर आपको, यानी कि आपका डॉक्टर, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको देख के ये बताने वाला है, ये समझाने वाला है कि आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं या आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पर हम रखेंगे ज्योतिष को, दूसरे नंबर पर रखेंगे वास्तु को, तीसरे नंबर पर रखेंगे अंक को। जब आपका वक्त सही होगा, आपकी कुंडली सही होगी, तो आप शुभ घर का, शुभ मकान का निर्माण करते हैं। जब आपका वक्त सही है
तो आप जो नंबर चुनते हैं अपनी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, वो खुद ब खुद सही होते चले जाते हैं। और मैंने ये अपने 10 वर्षों के अनुभव में पाया है। थैंक यू।